Hello, everyone. I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So, today's video is about the process costing, the revision series which we have started. In the last uh, uh, video, you have seen the uh, statement of units, and today we are going to uh, solve a practical question and I will explain how to deal with the statement of units. So, let's start with the video. सो so, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर जिसमें आपको तीन प्रोसेस दिख रहे हैं प्रोसेस वन प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री और बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं डायरेक्ट वेजेस है डायरेक्ट मटेरियल्स है प्रोडक्शन ओवर है एंड वी आल्सो हैव टेन थाउजेंड यूनिट्स एट रुपीज सिक्स ईच वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस तो टेन यूनिट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है प्रोसेस में एंड उस बेस पे सारे डिटेल्स आपको दिए गए हैं नीचे जो प्रोसेस वन का आउटपुट यूनिट से नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है प्रोसेस uh, टू का एट थाउजेंड फोर हंड्रेड है एंड प्रोसेस थ्री का सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तो नॉर्मल लॉस के परसेंटेज आपको दिए हैं फर्स्ट प्रोसेस वी हैव नॉर्मल लॉस फाइव परसेंट सेकेंड प्रोसेस इज टेन परसेंट एंड थर्ड प्रोसेस इज फिफ्टीन परसेंट वी ऑल्सो हैव द स्क्रैप वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट गिवन फोर रुपीज एट रुपीज एंड टेन रुपीज़ तो अगर आपको स्क्रैप का रेट दिया है इसका मतलब ये कौन सा लॉस हो गया स्क्रैप लॉस हो गया अगर आपको स्क्रैप का रेट नहीं दिया तो वो कौन सा लॉस हो जाएगा वो वेट लॉस हो जाएगा फिलहाल हमें स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स जो हम बनाने वाले हैं उसमें हमें क्या लिखना है उसमें हमें सिर्फ यूनिट्स लिखना है मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो वो वीडियो को पहले देखें बिकॉज ये वीडियो उसी का एक एक्सटेंशन है सो so दैट आपको स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स कैसे बनाना है वो समझ में आ जाए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिट फर्स्ट जो प्रोसेस है उसमें हमने कितने यूनिट्स का इनपुट किया है फर्स्ट प्रोसेस में हमने टेन थाउजेंड यूनिट्स का इनपुट किया है फर्स्ट प्रोसेस uh, में टेन थाउजेंड यूनिट्स का इनपुट होगा और उसी बेस पे ये प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ेगा इस पूरे क्वेश्चन में uh, कोई भी एडिशनल इनपुट नहीं किया गया है तो फर्स्ट आपको दिया है देखो टेन थाउजेंड यूनिट एट द रेट रुपी सिक्स इच वी इंट्रोड्यूस इन टू प्रोसेस वन देर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटीरियल्स एट द बिगिनिंग और एट द एंड कुछ तो कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है आपको एक्चुअल आउटपुट भी दिया गया है और आपको नॉर्मल लॉस के परसेंटेज भी दिए गए हैं तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज उसके साथ स्क्रैप वैल्यू वैल्यू का रेट ट इंडिकेट्स की हम नॉर्मल लॉस स्क्रैप लॉस अज्यूम करेंगे बिकॉज वो स्क्रैप वैल्यू के रिलेटेड रेट आपको दिया गया है तो देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स देखो स्टेटमेंट ऑफ यूनिट में हमें क्या करना है स्टेटमेंट ऑफ यूनिट में सबसे पहले हमें क्या लिखना है सबसे पहले हमें इनपुट uh, लिखना है तो इनपुट जो भी आपको दिया था वो हमने लिख लिया टेन थाउजेंड का uh, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स में हमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ यूनिट में यूनिट्स ही लिखना है तो इनपुट था हमारा टेन थाउजेंड का तो इनपुट हमने टेन थाउजेंड लिख दिया है फिर आपका जो एडिशनल इनपुट है जो एडिशनल इनपुट फर्स्ट में डैश है तो एडिशनल इनपुट फर्स्ट में डैश हो गया आ, देन आपका टोटल इनपुट कितना बन जाएगा टेन थाउजेंड का ही तो टेन थाउजेंड यूनिट्स इनपुट किए गए देखो मैंने एरो मार्क भी किया है सो दैट आपको समझ में आया कि ये किस तरीके से हमने सॉल्व किया है सो एडिशनल इनपुट है ज़ीरो uh, तो टोटल इनपुट कितना बन जाएगा टेन थाउजेंड यूनिट uh, सी है नॉर्मल लॉस दो टाइप का होता है वन इज वेट लॉस एंड वन इज स्क्रैप लॉस तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा है देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि नॉर्मल लॉस में स्क्रैप लॉस है फाइव परसेंट बिकॉज साइड में आपको स्क्रैप का रेट दिया है तो टेन थाउजेंड का फाइव परसेंट अगर हम ढूंढेंगे तो फाइव हंड्रेड आएगा तो टेन थाउजेंड में से अगर हम पाँच सौ को लेस कर देंगे तो आपको मिलेगा नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड आउटपुट तो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है और लेस हमको क्वेश्चन में देखो आपको दिया है आउटपुट इन यूनिट दैट इज़ योर एक्चुअल आउटपुट तो आउटपुट एक्चुअल आउटपुट दिया है नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अगर हम नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को माइनस करेंगे तो हमें आंसर ज़ीरो आएगा तो ये पहले वाले प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जीरो है कुछ भी नहीं है आपको अगर नॉर्मल लेवल है तो यही तक सॉल्व करना है और अगर सोल्ड और ट्रांसफर है तो नीचे सोल्ड और ट्रांसफर भी लिखना है और मैंने आपको बताया था सोल्ड और ट्रांसफर हमको किसका लेना है एक्चुअल आउटपुट का ही आपको समझो ये एक्चुअल आउटपुट 9500 है और आपको अगर क्वेश्चन में बोला कि 20 परसेंट सोल्ड एटी परसेंट ट्रांसफ़र तो 9500 जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उसी का 20 परसेंट आपको कंसीडर करना है तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दबनॉर्मल लॉस गेन फॉर फर्स्ट प्रोसेस इज़ ज़ीरो सो so, पहले प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं आया बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेड और हमारा एक्चुअल बिल्कुल सेम था अब हमें क्या करना है ये जो एक्चुअल आउटपुट है फर्स्ट प्रोसेस का जो एक्चुअल आउटपुट रहेगा वही सेकेंड प्रोसेस का इनपुट बनेगा इसीलिए पहले हमें फर्स्ट प्रोसेस सॉल्व करना है फिर सेकेंड में जाना है फिर सेकेंड सॉल्व करना है फिर थर्ड में जाना है ये एरो मार्क्स ध्यान से देखना मैंने उसी के बेस के लिए एरो मार्क्स ड्रॉ किए हैं सो डैट आपको ये समझ में आए वरना अगर कोई भी स्टूडेंट ये पूरा एक साथ सॉल्व करने जाएगा तो वो गलती कर लेगा नाउ हम सेकेंड प्रोसेस में जाते हैं सेकेंड प्रोसेस में हमारा देखो फर्स्ट प्रोसेस का जो एक्चुअल आउटपुट था वो सेकेंड प्रोसेस का इनपुट बन गया सेकेंड प्रोसेस में अगर कभी एडिशनल इनपुट रहा तो हम वहाँ एडिशनल इनपुट लिखेंगे एंड देन वी विल एड नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस यहाँ पे नो एडिशनल इनपुट इज गिवन सो योर टोटल इनपुट इज़ नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगेन वी विल कम टू नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस वेट लॉस इज़ नॉट गिवन बट स्क्रैप लॉस इज मैंशन एज टेन परसेंट तो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का अगर आप टेन परसेंट ढूंढोगे तो आपको नाइन फिफ्टी आएगा सो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का टेन परसेंट नाइन फिफ्टी है देन एट थाउजेंड फाइव फिफ्टी आंसर मिल रहा है नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से नाइन फिफ्टी अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एट डबल फाइव ज़ीरो तो देखो क्वेश्चन में आपको दिया है आउटपुट इन यूनिट्स करके तो आउटपुट इन यूनिट सेकेंड वाले प्रोसेस का है एट थाउजेंड फोर हंड्रेड अब अगर हम एट थाउजेंड फाइव फिफ्टी में से एट थाउजेंड फोर हंड्रेड को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है वन फिफ्टी तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है और अगर हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा तो वो एबनॉर्मल गेन होता है तो एट फाइव फाइव जीरो में से एट थाउजेंड फोर हंड्रेड मिला तो डिफरेंस आ रहा है वन फिफ्टी रुपीज सिंस द डिफरेंस वन फिफ्टी इज पॉजिटिव फिगर तो इट विल बी कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस तो अभी हम थर्ड प्रोसेस में जाते हैं वही सिस्टम है सेकेंड uh, प्रोसेस का जो एक्चुअल आउटपुट है दैट इज एट थाउजेंड फोर हंड्रेड वो थर्ड प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा और थर्ड प्रोसेस का जो इनपुट है उस बेस पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो 8400 प्लस एडिशनल इनपुट ही ओवर हियर ही इज जीरो तो आपको मिलेगा एडिशनल इनपुट 8000 400 टोटल इनपुट प्लस करके लेकिन प्लस करने को कुछ नहीं है इसलिए सेम ही आ रहा है Then, देखो सेकेंड वाले प्रोसेस में अगर हम चेक करें तो सेकेंड वाले प्रोसेस में एट थाउजेंड फोर हंड्रेड का आउटपुट था और थर्ड वाले प्रोसेस में सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आउटपुट था और यहाँ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस है फिफ्टीन परसेंट आपको स्क्रैप का रेट भी साइड में दिया गया है अगर स्क्रैप का रेट दिया गया है तो मैंने अभी आपको बताया कौन सा लॉस होगा स्क्रैप लॉस होगा तो स्क्रैप का रेट हमको दिया था और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है फ़िफ्टीन परसेंट तो इफ़ यू कैलकुलेट एट थाउजेंड फोर हंड्रेड का फिफ्टीन परसेंट दैट कम्स टू वन टू सिक्स ज़ीरो तो एट थाउजेंड फोर हंड्रेड का फ़िफ्टीन परसेंट आएगा वन टू सिक्स ज़ीरो अगर हम 8400 थाउजेंड फोर हंड्रेड में से फिफ्टीन परसेंट को माइनस करेंगे वन टू सिक्स ज़ीरो को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सेवन वन फोर ज़ीरो तो अगर हम सेवन वन फोर ज़ीरो जो हमें आंसर मिला है उसमें से एक्चुअल आउटपुट को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एक्चुअल आउटपुट के साथ माइनस करके एबनॉर्मल लॉस अगेन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सो so, क्वेश्चन में हमें दिया है थर्ड प्रोसेस में आउटपुट इन यूनिट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यही सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को हमें प्रेजेंट करना है हमारे एक्चुअल आउटपुट में तो वी गॉट दी आंसर एक्सपेक्टेड आउटपुट सेवन वन फोर जीरो वी गॉट दी एक्चुअल आउटपुट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इफ यू डिडक्ट सेवन वन फोर जीरो माइनस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वी आर गेटिंग अ नेगेटिव फिगर ऑफ थ्री सिक्सटी ओवर ईयर और हमें यहाँ पे थ्री सिक्सटी का नेगेटिव आंसर आ रहा है तो अगेन आई रिपीट यहाँ पे मिस्टेक मत कर लेना अगर आपको आंसर नेगेटिव आता है तो वो एबनॉर्मल गेन है मैंने नीचे मेंशन किया है अगर आपको आंसर पॉजिटिव आता है तो वो एबनॉर्मल लॉस है यही काफी इजी लेवल पे प्रोसेस कॉस्टिंग का स्टेटमेंट ऑफ यूनिट है अगर आप पहले ये बनाओगे और फिर प्रोसेस अकाउंट ड्रॉ करोगे तो आपके पास सारे आंसर्स क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए रहेंगे कि कौन से प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस आ रहा है कौन से प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन आ रहा है हाउ टू पोस्ट द पॉइंट एबनॉर्मल लॉस आया तो आपको पोस्ट करना है प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एबनॉर्मल गेन है तो आपको पोस्ट करना है प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में अगर आपके पेपर में सोल्ड और ट्रांसफर का वराइटी आया तो ये पूरा फॉर्मेट सेम बनाना है नीचे सोल्ड और ट्रांसफ़र लिखना है विच इज द सेकेंड लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सोल्ड और ट्रांसफर में आपको पेपर में परसेंटेज दिए रहते हैं सिक्सटी परसेंट फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट वॉट एवर परसेंटेज आर गिवन याद रखना जितने भी परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे सोल्ड और ट्रांसफर के वो एक्चुअल आउटपुट के ऊपर ही होंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट के ऊपर परसेंटेज मत कैलकुलेट करना रॉन्ग हो जाएगा तो दैट इज़ नंबर सेकेंड वराइटी और नंबर थर्ड आया तो यही फॉर्मेट लिखना है एड नॉर्मल लॉस गेन तक और उसके बाद जो नीचे लिखा है मैंने एक्चुअल आउटपुट प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा तो क्या करना है आपको फिर से एक बार एक्चुअल आउटपुट का अमाउंट लिखना है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू उसमें प्लस करनी है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसमें से माइनस करनी है तो जो भी आंसर मिलेगा ट्रांसफर उसको आप सेकेंड प्रोसेस में जो इनपुट है वहां लेके जाओगे अगर स्टॉक वाला लेवल आप अटेम्प्ट करोगे तो मैंने पहले भी बताया था तीन टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर वन नॉर्मल लेवल जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है लॉस गेन तक ही उसका फॉर्मेट है नंबर सेकेंड सोल्ड और ट्रांसफर कुछ परसेंटेज आप सोल्ड करोगे कुछ परसेंटेज आप ट्रांसफर करोगे एंड नंबर थर्ड है और स्टॉक वाला लेवल जो थोड़ा लेंदी है तो स्टॉक वाले लेवल में ये फॉर्मेट यूज हो सकता है सो ओवरऑल दिस वॉज दी वो बेसिक रिगार्डिंग दी प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे थे प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे सॉल्व करना है क्या प्रॉब्लम्स क्या पॉइंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया था कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एग्जांपल दो तो इसलिए मैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एग्जांपल लाया हूँ एंड मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग डाउट्स इन GST एस that is indirect taxes semester टैक्स सेमेस्टर सिक्स सो दे आर सेंग दैट सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करें इनपुट टैक्स क्रेडिट टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई वो सारे डिटेल्स के बारे में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करे तो वो भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपके एग्जाम ओरिएटेड पॉइंट्स जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं सो दैट सेट डिस वॉज द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो लाइक करो So, that it will be a motivation for me also to prepare such good videos for all of you. And till then, bye bye. Work harder, be smarter.